खबर मेरठ से, जहां पर एक थाने में महिला का नशे में हंगामा सामने आया है। क्या था ये पूरा मामला? आखिरकार ये महिला क्यों हंगामा मचा रही थी? आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। शराब पीकर थाने में महिला वकील का हंगामा। महिला पर नशे में एक्सीडेंट करने का आरोप। घंटों तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। थाने में दरोगा साहब बैठे हैं, सामने मोहतरमा बैठी है, मगर हालात सामान्य नहीं है। महिला कभी थाने में रोने लगती है, कभी चीखने लगती है, कभी भागने लगती है, तो कभी गालियां देने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि महिला दिमागी बीमार है, बल्कि पेशे से वकील हैं और इस वक्त नशे में होने का आरोप लगा है इन पर। महिला का नाम है दीप्ति चौधरी, जो बीते दिनों शहर में दारोगा से हुई मारपीट के मामले में सुर्खियां बटोर चुकी हैं। थाने में पहुंचने के बाद महिला वकील ने अपने पर लगे आरोपों से इंकार किया। महिला वकील का कहना है कि पुराने मामले में व्यापार संघ के लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। नशे में थे? नहीं नहीं नहीं, 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 इन लोगों ने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी। ये लोग मुझे 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, जिससे कि मैं समझौता कर लूं। दरअसल बीते दिनों महिला वकील ने परतापुर थाने में एक केस दर्ज कराया था। इसमें बीजेपी पार्षद पर वकील से अभद्रता और इनके साथी विवेचक पर हमले का आरोप लगा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि महिला वकील पर कई गाड़ियों को नशे में टक्कर मारने का आरोप है। कुटी थाना क्षेत्र में सूचना मिली, कुछ लोगों ने आके थाने पे शिकायत की कि एक कोई महिला शराब के नशे में है और उन्होंने गाड़ी चलाते हुए उनकी गाड़ियों में टक्कर मारी है और कुछ उनके साथ और भी वहाँ पे आपस में बातें हुई है। उसको लेकर के इमीडिएटली थाने पुलिस ने उनको सबको थाने पर ले आए हैं। थाने पर उनका तहरीर, जो विक्टिम थे उनके तहरीर लिए गए हैं और उसमें जो भी प्रावधान के तहत वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। दारोगा से मारपीट का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी नेता पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई का जिम्मा बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।